हमारे बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर हम उन प्रॉब्लम्स को देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि ये हमारे बच्चों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई है। पर सच्चाई ये है कि वो जो प्रॉब्लम बच्चे की लाइफ में दिख रही है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ की प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर इस तरीके का है कि हम बहुत छोटी उम्र से कुछ चीज़ों को मानने लगते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, कई चीज़ें हम कल्चरली मान लेते हैं। पर समय के साथ क्या होता है, समय की एक अलग ही मांग होती है। हमसे जो प्रीवियस जेनरेशन है, आज मान लीजिए हम लोग एनीवेयर बिटवीन 50 एंड 60 हैं, 50 से 60 साल के बीच की हमारी उम्र है, तो हमसे पहले जो पीढ़ी रही है उस पीढ़ी ने अलग किस्म की प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अगर आप केवल हमारे कंट्री को ले लो तो पार्टीशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, तो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वो अलग तरीके से आई, है ना। और इंटरनेशनली आप ले लो तो वर्ल्ड वॉर वगैरह का समय था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो अलग-अलग जमाने में अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज जो हम सीख रहे हैं वो पास्ट के लिए हमेशा के लिए सही हो, ये कोई बात नहीं है। उस जमाने के लोगों को कुछ और ही सीखना था और हमारे जमाने के लोगों को कुछ और ही सीखना है, और हमारी अगली पीढ़ी जब 50 से 60 साल के बीच की उम्र में आएगी तो उनको कुछ अलग ही सीखना पड़ेगा जो कि आज हमको नहीं सीखना पड़ा या नहीं सीखना पड़ रहा या हमसे पहले की पीढ़ी को नहीं सीखना पड़ा। ये सारी चीजें समय के अकॉर्डिंग चलती हैं, जो टाइम का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। तो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम, अब हम हमारे करंट जेनरेशन की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे ही लाइफ टाइम में पिछले 50 सालों में हमने दुनिया को कहीं से कहीं जाते हुए देखा है, कहीं से लेकर कहीं तक दुनिया पहुंच चुकी है। और ना केवल ये, फैक्ट ये है कि जो बातें 50 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले जो बातें सिखाई गई थी एडजस्टमेंट के नाम पर या महिलाओं के वर्किंग के नाम पर के फैमिली की नीड्स को प्रायोरिटी दो, फैमिली को फ्रंट में रखो, अपने ज़रूरतों को पीछे रख दो, पहले परिवार पहले बच्चे, ये सारी चीज़ें जो मे बी कई साल पहले 25-30 साल पहले बिल्कुल मान ली जाती थी और बिल्कुल फॉलो कर ली जाती थी, आज एक्चुअली फॉलो नहीं हो सकेंगी। और वो इसलिए फॉलो नहीं हो सकेंगी क्योंकि जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है और जमाने को बदलने में हमारा भी हाथ है। कैसे हमारा हाथ है? अगर हम यही मानते कि भाई लड़कियों को फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लड़कियों के लिए ये ज़रूरी है, और उनको अगर जॉब और होम में चॉइस मिले तो उनको होम प्रेफर करना चाहिए, बच्चों को प्रेफर करना चाहिए, अगर हमारी यही थिंकिंग है, क्योंकि 30 साल पहले ये चीज़ें सही मानी जाती थीं, तो वो आज इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि जमाना जिस रफ्तार से आगे बढ़ गया उसमें एक ऑर्डिनरी BA पास एक लेडी है, वो भी सुबह साड़ी पहन के हैंडबैग टांग के और एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने चल देती है, ये एक इकोनॉमिक मांग है।
गृहस्थी और उसका एक सुचारू रूप से चलने के लिए आज का जमाना ऐसा हो गया कि दोनों लोग कमा कर लाएं तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, और इसीलिए हम अपने बच्चों को इक्वल पढ़ाई कराते हैं, लड़कों को भी पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने में कहीं रोकते नहीं हैं। तो इसलिए अब जिस स्पीड से जनरेशन आगे बढ़ रही है उसमें लड़कियां भी अपना एक अधिकार समझती हैं, और अब हम उन्हें ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं तुम्हें घर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो सवाल हैं उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अलावा इसका भाई, हमसे अगर कोई पूछता 30 साल पहले कि तुम्हें घर को प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे टैलेंट्स हैं, तुम अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकती हो, तुम कमा के ला सकती हो, तो लड़की ये नहीं पूछती थी कि मैं क्यों ना करूं, जब मेरे में टैलेंट है तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि उसको जवाब यही दिया जाता था कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम लेडी हो, तुम्हारे लिए घर ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे परिवार की मांग है, यही समाज को भी तुमसे एक्सपेक्टेशन है, इसलिए तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी को, हमारे जेनरेशन वाले लोगों के लिए भी बड़ा इजी हो गया इस बात को मानना कि फैमिली ही प्रायोरिटी है, और अगर कुछ भी ऐसा हमारे जॉब वगैरह में कुछ भी ऐसा होता है जिससे फैमिली सफ़र करती है तो हम जॉब को छोड़ दें पर हम फैमिली को प्रायोरिटी दें। ये चीज़ उस जेनरेशन तक चल गई, परंतु आज के जेनरेशन में समाज की ही मांग है कि दोनों बराबर पढ़ें, ये सोसाइटी की डिमांड है आज की तारीख में कि दोनों बराबर पढ़ें, और इसीलिए गर्ल्स को भी हम बराबर एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। आप जॉब्स में देखो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, इक्वल पे मिलता है, सब कुछ इक्वल है। जब समाज ने ही ये मापदंड रख दिया तो अब आप समाज का बहाना बनाकर ये नहीं कह पाएंगे बच्चों को कि नहीं, तुम उस पुराने पटरी पर ही चलो। ये चीज़ बच्चे आज की तारीख में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा? ये होगा, या तो वो बच्चे अपनी उन चीजों को बिल्कुल ड्रॉप करके पुरानी पटरी पर चलें, या पुरानी पीढ़ी के लोग जो पुरानी पटरी पर चल रहे हैं वो ही इस नए, जो आज सोसाइटी की एक नई डिमांड है, या सोसाइटी में आज जो कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि आराम से लेडीज जॉब के लिए जाती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ घर के काम में हाथ बटाते हैं और इक्वली सारा काम करते हैं, बच्चों की देखरेख में भी दोनों इक्वली हाथ बटाते हैं, और अब वो दीवार गिर गई कि ये तेरा काम है और ये मेरा काम है। जब यहाँ तक सोसाइटी आ गई तो या तो पुरानी पीढ़ी को उस पुरानी पटरी से हटकर नई पटरी पर चलना पड़ेगा, या नई पीढ़ी को नई पटरी से हटकर पुरानी पटरी पर चलना पड़ेगा। और कॉमन सेंस कहता है कि लाइफ प्रोग्रेस का नाम है, लाइफ पीछे की तरफ रिवर्स गियर में चलने का नाम नहीं है, लाइफ प्रोग्रेस का नाम है। और क्योंकि लाइफ प्रोग्रेस का नाम है तो इसलिए हम नई पीढ़ी से उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम अपनी पटरी से हटकर पुरानी पटरी, हमारी वाली पटरी पर चलो, हम ही को हमारी पुरानी पटरी छोड़कर इस नई पटरी के अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी, तभी लाइफ प्रॉपरली चल पाएगी। ये जो चीज है ये हर पहलू में लागू होता है। जब कभी हमारे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम हो आज की तारीख में, करंट जेनरेशन में, तो वो प्रॉब्लम केवल और केवल इसलिए है कि कहीं हमने जो अपने आप को सिखा रखा है
और हमने उन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो भी कर रखा है ये मानकर कि यही सही चीज है, वो शिक्षा आज की तारीख में अगली पीढ़ी के लिए करेक्ट नहीं है। और इसलिए हमें ही अपने उन व्यूज को करेक्ट करना होगा, तभी प्रोग्रेस के डायरेक्शन में लाइफ आगे बढ़ेगी। लाइफ हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट लेती है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं लेगी। और इसलिए जहां कहीं हम अटक जाएंगे और फिर हम अगली पीढ़ी से एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं तुम अपनी पटरी को छोड़कर हमारी पटरी के अकॉर्डिंग चलो, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब कभी हम देखें कि हमारे बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें स्टेप वन ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अ प्रॉब्लम या तो वो उनके पर्सनल लाइफ को लेकर है, कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बच्चों की लाइफ में। बच्चा कहता है कि मैं ये चीज़ नहीं पढ़ना चाहता जो हमने उसके लिए तय कर रखा है, या हम सोचते हैं कि वो ये करे क्योंकि आजकल सब लोग ऐसा कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा लाइन है। बच्चा कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ और करना है, और वो जो कुछ और करना चाह रहा है संभवतः हम उसके विरोध में हैं कि नहीं 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 ये नहीं, तुम तो ये करो, ये मत करो, तुम तो ये करो। तो ये एक प्रॉब्लम, एक अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और जब ये प्रॉब्लम आती है बच्चों की लाइफ में, तो बेटर रहता है कि दोनों पेरेंट्स इंडिविजुअली अपने आप को देखें कि क्या मेरी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई स्थिति रही है जो मेरे, जहाँ पर कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ और चाहा मेरे लिए कि मैं ऐसा करूँ, और मैंने खुद ने कुछ और करना चाहा, और अगर ऐसी कोई स्थिति मेरी लाइफ में रही है तो तब मैंने क्या किया, क्या मैंने जैसा कि पेरेंट्स ने कहा वैसा मानकर वही लाइन अपना लिया। तो अगर हमने ऐसा किया है, या मदर ने किया है, या फादर ने किया है, या दोनों ने किया है, या जैसा भी है, तो संभवतः आपने ऐसा कर तो दिया, क्योंकि उस जमाने का कल्चर ये था कि पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे और बच्चे करते थे, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। संभवतः आपको आज भी उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग है कि आप कुछ करना चाहते थे और आपको कुछ और करना पड़ गया। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, मेरे पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे एंड सब कुछ हुआ, पर वो सारा फेल हो गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं प्रॉपरली पढ़ाई करूं, क्योंकि पढ़ाई की जो रेस्पेक्टेबिलिटी है वो एक गायिका की लाइफ में तो नहीं हो सकता। तो इस तरह का कोई माइंडसेट, तो ये तो इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया अपने ही, मान लीजिए मेरी डॉटर की लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया किसी तरीके से, जो प्रॉब्लम तो नहीं बनी पर हाँ कुछ समय के लिए मैं बड़ी दुविधा में रही। जैसे मेरी डॉटर बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में उसकी गिनती आती है, पर उसकी इच्छा थी कुछ समय के लिए कि वो एयर होस्टेस बने, और मैं चौंक गई कि एयर होस्टेस ये तो वेट्रेस का काम है। तो वो एक द्वंद्व वाला समय तो था मेरे साथ कि मैं क्या करूं, ये मांग तो ऐसे कर रही है कि मेरे को ट्रेनिंग के लिए जाना है, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी और मैं ऐसा करना चाहती हूं और मैं वैसा करना चाहती हूं, और मैं उस पीरियड से गुजरी हूं जहां मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज तो मैं नहीं चाहती इसके लिए। तो ये एक रिपीट है, और जब मैं समझ पाई कि ठीक है ये मेरी लाइफ की कोई कहानी है, तो उस चीज से धीरे 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 वो खत्म हो गया, उसके अंदर वो इच्छा खत्म हो गई
और वो फिर और ही पढ़ाई करके और आगे निकल गई वगैरह वगैरह। इस ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर प्रॉब्लम्स के नाम पर फिर हम देखें कि बच्चों के साथ और क्या होता है। शादी, अक्सर प्रीवियस जेनरेशन क्या करती थी कि मान लीजिए खुद ही ने कोई चॉइस किया कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करना है, पर पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन रहा, पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन रहा तो उस जहां शादी करना चाहता था या चाहती थी, ये हॉरोस्कोप्स बहुत आते हैं मेरे पास, तो वो तो ड्रॉप कर दिया और पेरेंट्स की मर्जी के अकॉर्डिंग शादी कर ली। तो अब ऐसा हुआ कि व्यक्ति ने अपना मन मार लिया। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मन वन नहीं मारा, जब मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया तो वो मनाई थी, फिर तो सवाल ही नहीं था कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जाऊं, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाऊं। पर आप एक बात समझिए, हर बच्चे को पता रहता है कि मेरे पेरेंट्स किन चीजों के लिए हाँ करेंगे और किन चीजों के लिए ना करेंगे, और बच्चों को अक्सर पता रहता है कि हमारी फैमिली में ऐसे काम नहीं हुए तो मेरे पेरेंट्स मना नहीं, कभी हाँ नहीं करेंगे, और मैं अपने पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और जब बच्चे इस तरह की चीजों को जानते हैं तो वो रिश्तों में फिर नहीं पड़ेंगे बाहर, क्योंकि वो श्योर हैं, दो चीजों के बारे में श्योर हैं, हमारे पेरेंट्स कभी हाँ नहीं करेंगे, और अगर हमारे पेरेंट्स हाँ नहीं करेंगे तो मैं अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, ये दोनों चीजें उन्हें क्लियर होती है। उसके बावजूद वो बाहर कोई रिश्ता पाल लेते हैं, रिश्ता पालते हैं, साल भर चलता है, दो साल चलता है, चार साल चलता है, और फिर पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है कि नहीं अब शादी करनी है, शादी करनी है, डर के मारे डिस्कस भी नहीं कर पाते, कई बार डिस्कस नहीं कर पाते, तो डिस्कस नहीं कर पाते और पेरेंट्स से ये बात कहे बगैर ही वो रिश्ता तोड़ लेते हैं, तो ये मन मारना ही है। और फिर क्या करते हैं, पेरेंट्स के कहे जगह जाके चुपचाप शादी कर लेते हैं, या फिर पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखते हैं कि हम फलाने से शादी करना चाहते हैं, चाहता हूं, चाहती हूं, जैसा भी है, घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, और फिर सारा धांधू होने के बाद व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि नहीं नहीं मैं तो पेरेंट्स के हिसाब से ही चलूंगा या चलूंगी, और उस रिश्ते को ड्रॉप कर लेता है और शादी कर लेता है, और लाइफ चलती है जैसे भी चलती है, एडजस्टमेंट्स हैं और व्यक्ति लाइफ को चलाता है। अब क्या होता है, अब इस व्यक्ति के बच्चे होते हैं और अब ये प्रॉब्लम बच्चों की प्रॉब्लम बनकर सामने दिखाई पड़ेगी। बच्चों में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिलेशनशिप रख के और उस चीज को पेरेंट्स के सामने प्रस्तुत करेगा, क्योंकि आज जमाना बदल गया है, तो वो पेरेंट्स के सामने इस बात को प्रस्तुत करेगा कि नहीं मुझे तो यही करनी है, मैं तो कहना नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी, और पेरेंट्स के अंदर एक द्वंद्व चलता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिखा लिया है, उन्होंने वो जो फॉलो किया अपनी लाइफ में और अपने उस रिश्ते को ड्रॉप किया और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग शादी कर ली और भूल भाल गए कि पास्ट में क्या हुआ, यहां से भूल भाल गए, पर उनके अंदर का एक हिस्सा इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखे हुए है, और आज वो एक अनुभव बनकर आएगा बच्चों की लाइफ में, और वो बच्चा हर हाल में कहना नहीं मानेगा, और कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगा जिसके लिए आप कभी भी हानि कर पाओगे। आपने तो शायद जिसके लिए सोचा था उस समय पर
वो थोड़ा सा डिस्कशन के बाद हाँ हो जाती, पर वो जमाना ऐसा था कि लव मैरिज की सोची ही कैसे, जात से बाहर जाने की सोची ही कैसे, वो जमाना था। और आज का जमाना ये है कि ये ऐसी चीजें नई रह गई जिसको कि लेके पेरेंट्स बहुत बड़ा दंगा मचा सके अगर उनको लगे कि वो लड़का बहुत केपेबल है, हर तरीके से अच्छा है। और है तो शायद समय के साथ पेरेंट्स मान भी जाते हैं, सब कुछ है, पर उस केस में क्या जहां पर वो बच्चा किसी ऐसे को पकड़ रहा है जहां पर कि पेरेंट्स हाँ ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी कर ले वो हाँ नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी और आपका बच्चा उस गलत व्यक्ति को ड्रॉप कर देगा। देखिए, चॉइस सही भी हो सकता है, चॉइस गलत भी हो सकता है। जब आपको आपको लगता है ये चॉइस, इसको ये इस तरीके का चॉइस, इसलिए नहीं, आप ये नहीं कह रहे कि तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहे हो वो गलत है, आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके का लड़का या इस तरीके की लड़की, ये चॉइस, तो वो सिचुएशन इसलिए सामने आकर खड़ी हुई है क्योंकि आपके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है आप ही के लाइफ से रिलेटेड, उसका समाधान आपके अंदर नहीं हुआ है। क्या समाधान नहीं हुआ है? हमने जब कभी जहां कभी अपने मन को मारा है, इच्छाओं का दमन किया है, चाहे वो मैरिज के मामले में हो, मैं और एग्जांपल्स लूंगी, जहां करियर का मामला है, जॉब के लिए जाने का मामला है, जिस भी मामले में हमने अपने मन को मारा है और हमें एहसास भी नहीं है कि हमने अपने मन को मारा है। सच बात यह है कि हमें एहसास ही नहीं है, हमें लगता है नहीं, ये मेरा चॉइस है, मैंने मन नहीं मारा, मैंने खुद ही ने समझ लिया कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो अगर सही नहीं है तो उस रिश्ते में पड़े क्यों? आपको तो पता था कि आपके पेरेंट्स कभी हाँ नहीं करेंगे इंटरकास्ट मैरिज के लिए। इंटरकास्ट भी छोड़िए, आपने अपने ही कास्ट में एक लड़के को या लड़की को चुना, उसी में बवाल मच सकता था कि तूने कैसे चुना, परिवार चुनेगा तेरे लिए, तू नहीं चुनेगा या तू नहीं चुनेगी। तो इस तरह की स्थितियां जो होती हैं उसमें केवल इतनी सी बात आ रही है कि तुमने कैसे चॉइस किया, जो कि उस जमाने में एक बार लोग स्वीकार लेते थे और भूल भाल गए कि ऐसी स्थितियां हैं, और उन्होंने छोड़ दिया उस व्यक्ति को, शादी वहां कर ली जहां पेरेंट्स चाहते थे। पर उनके अंदर का, उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ये साइकोलॉजी है, दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो उसी समय जब हमने मन मारा वो हमसे, मान लीजिए, अलग हो गया और वो चुप नहीं रहेगा। वो लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन को ला कर रहेगा। और आप ये ना भूलें कि आप पेन ड्राइव हैं, बाहर से स्थितियां नहीं आ रही हैं, आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसी से सिचुएशंस आ रही हैं, आपको दुनिया बाहर दिख रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी लाइफ में आ चुके हैं और अब हमें, क्योंकि हम वो पेन ड्राइव हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए, स्क्रीन मिल गया, इसलिए हमारे ही अंदर का इंफॉर्मेशन हमें बाहर दिखाई पड़ेगा, हमें लगेगा बाहर है। बात ये है, हमारे अंदर से निकला हुआ है ये, और हमारे ही उस पास्ट को हम अपने
प्रेजेंट के रूप में देख रहे हैं, हमारे बच्चे के रूप में देख रहे हैं, हमारे बच्चे के हठ के रूप में देख रहे हैं, उसके डिमांड के रूप में देख रहे हैं। और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो वो प्रॉब्लम दिन पे दिन बड़ी होती चली जाएगी, और उसका समाधान तब भी हो पाएगा जब आप अपने अंदर की कुछ चीजों को टटोल कर उसे अपने अंदर ठीक ना करो, तब तक ये प्रॉब्लम बाहर नहीं जाएगी।